हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिराज टेक्नो में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो चलिए लेट्स गो पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी सरदार पटेल, सी जाकिर हुसैन या डी संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा गया, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डी डॉक्टर राधाकृष्णन एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर है डी डॉक्टर राधाकृष्णन एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय पार्क का नाम है, ए वेलवार्डन नेशनल पार्क, बी पेरियार नेशनल पार्क, सी बादीपरू नेशनल पार्क या डी कार्बेट नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर डी कार्बेट नेशनल पार्क क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, ए कल्पकम, बी रावतभाटा, सी तारापुर या डी कंकरापर। तो इसका राइट आंसर सी तारापुर क्या है, तारापुर। देश में किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी केरल या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर सी केरल में, कहाँ बनी है, केरल में बनी है। भारत का प्रथम T20 IPL किसने जीता था, ए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, बी राजस्थान रॉयल, सी डेक्कन चार्ज, डी मुंबई इंडियन। तो इसका राइट आंसर बी राजस्थान रॉयल ने पहला T20 IPL मैच जीता था। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ए जी बालकृष्णन, बी एम हिदायतुल्ला, सी श्रीमती प्रतिभा पाटिल या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर एम हिदायतुल्ला क्या है, एम हिदायतुल्ला। देश का प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त है, देश का प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त है, ए जयपुर रेलवे स्टेशन, बी मनवाल कश्मीर रेलवे स्टेशन, सी कोलकाता चेन्नई रेलवे स्टेशन या डी भटीड़ा रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर बी मनवाल कश्मीर रेलवे स्टेशन। भारत की प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, ए 1950, बी 1957, सी 1952 या डी 1949। तो इसका राइट आंसर सी 1952 में, कब हुआ था, 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। वह प्रथम भारतीय जो मात्र 16 वर्ष की आयु में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम सबसे कम उम्र का भारतीय बना, ए अर्जुन बेनीवाल, बी अरुण वाजपेयी, सी अर्जुन वाजपेयी या डी अरुण बंसल। तो इसका राइट आंसर है सी अर्जुन वाजपेयी। भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्र संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद हुए थे, ए सुखदेव, बी अशफाक उल्ला खां, सी खुदीराम बोस या डी हेमू कालानी। तो इसका राइट आंसर है हेमू कालानी, जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। मुगल चित्रकला किसके काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, ए हुमायूं के, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर सी जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी काल की मतलब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ए गंगोत्री, बी पिंडारी, सी सियाचिन या डी कांगशुंग। क्या है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है सी सियाचिन।
क्या है, सियाचिन। क्या कारण है कि अत्यधिक ठंड पड़ने पर झील के ऊपरी भाग में बर्फ जम जाता है किंतु नीचे के भाग में पानी रहता है? ए, क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। बी, क्योंकि झील पृष्ठ का तापमान और वायु का तापमान समान होने पर ऊष्मा क्षय नहीं होती। सी, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है। यदि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है। निम्न में से कौन सी मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ए, मांग पर नियंत्रण। बी, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण। सी, ब्याज दर को कम करना। या डी, वस्तुओं की राशनिंग। तो इसका राइट आंसर सी, ब्याज दर को कम करना। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ स्थित है? ए, बिहार गंगा। बी, आंध्र प्रदेश गोदावरी। सी, जम्मू कश्मीर चिनाब। या डी, असम ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है बिहार गंगा। क्या है? बिहार गंगा। अजलन शाह कब किस खेल से संबंधित है? ए, टेनिस। बी, फुटबॉल। सी, बैडमिंटन। या डी, हॉकी। तो इसका राइट आंसर है हॉकी से। किसे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। उकाब दो के नाम से किस देश ने ड्रोन तैयार किया? ए, भारत। बी, पाकिस्तान। सी, अमेरिका। या डी, चाइना। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान ने किया। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी, डॉक्टर सच्चिदानंद। या डी, राजगोपालचारी ने। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? ए, ब्राह्मी। बी, नंद नागरी। सी, शारदा। या डी, खरोष्ठी। तो इसका राइट आंसर है खरोष्ठी लिखी जाती थी। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए, परिषद। बी, मणिग्राम। सी, अष्टदिग्गज। या डी, चतुर्वेदी मंगलम। तो इसका राइट आंसर है मणिग्राम। क्या है? मणिग्राम। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कब से प्रारंभ किया गया है? ए, 1990। बी, 1992। सी, 1994। या डी, 1995। तो इसका राइट आंसर है बी, 1992 में किया गया। कब किया गया? 1992 में किया गया। भारत इनमें सॉरी निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ए, द्रयोप्तरिस। बी, सेकास। सी, पाइनस। या डी, जिंकगो। तो इसका राइट आंसर है डी, जिंकगो। क्या है? जिंकगो। डी इसका राइट आंसर है। कुंडलिका परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए, महाराष्ट्र। बी, गुजरात। सी, मध्य प्रदेश। या डी, कर्नाटक। तो कुंडलिका परियोजना कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में। ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा संसार का सबसे लंबा प्राणी है? ए, ब्लू व्हेल। बी, बुटसलेट्स कीड़ा। सी, अजगर। या डी, एनाकोंडा। तो इसका राइट आंसर है बी, बुटसलेट्स कीड़ा, जो संसार का सबसे लंबा प्राणी है। निम्न में से किस राज्य की सीमा सिक्किम से लगी हुई है? ए, असम। बी, पश्चिम बंगाल। सी, अरुणाचल प्रदेश। या डी, मेघालय। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल लगी हुई है। स्वतंत्रता भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे? ए, जाकिर हुसैन। बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी, बलिराम भगत। या डी, वी डी जत्ती। तो इसका राइट आंसर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उन्हें डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है? ए, 4.5%। बी, 7.2%। सी, 9.0%। या डी, 10.0%। इसका राइट आंसर बी, 7.2% वसा की मात्रा होती है। सोवियत यूनियन कब भंग हुआ? ये 1969 में। बी, 1979 में। सी, 1989 में। या डी, 1999 में। तो इसका राइट आंसर है
सी 1989 में। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ए आजीवक, बी मत मयूर, सी मय मत, या डी ईशान शिव गुरु देव पद्धति। तो इसका राइट आंसर है बी मत मयूर। क्या है? मत मयूर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कीजिए? ए गुरु अमरदास, मीरी और पीरी, बी गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, सी गुरु रामदास दल खालसा, या डी गुरु गोविंद सिंह मांझी। तो इसका राइट आंसर है बी गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। जय राम जी की।